कर्म बुद्धि और भाग्य में महान कौन। एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म भाग्य और बुद्धि यह तीनों चर्चा कर रहे थे, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे बड़ा है। कुछ दिन बीत गए लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो। तब कर्म भाग्य और बुद्धि ने बोला, हे नारद मुनि, अब आप ही विचार कीजिए कि हम तीनों में से कौन महान है। नारद मुनि हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और एक सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा, यही सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश करके हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि एक सप्ताह के लिए इस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा उसे ही महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज़्यादा काटने लगा। यह देख कर वह इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज़्यादा लकड़ी तो वो काट लेता था लेकिन वह उतना ही लकड़ी बाजार में जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज़्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इस तरह 7 दिन तक उसने ज़्यादा लकड़ी तो काट ली लेकिन उन सब को बेच नहीं पाया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं इसका ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़कर निराश होकर स्वर्ग लोक में चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इसको धनवान बनाता हूँ। बुद्धि उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिनों से कुछ ज़्यादा ही लकड़ी काटी और सारी लकड़ी को एक रस्सी में बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी थी और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता था। इससे वह पहले से बहुत ज़्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज़्यादा पैसा कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसा कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था, उस समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या। तब कर्म बुद्धि और भाग्य नारद मुनि जी से कहते हैं, जी हाँ, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है क्योंकि
जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है, इसलिए बुद्धि को महान कहा गया है। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।